कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान ना मोहब्बत दीन च फर्ज कोई छोटी जी नेकी नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह की कसम है जिदे अच मेरी जान है जो बुगज़े अहले बैत लैके मरूगा वह जहन्नम दाखल अल्लाह ताला उहदे नमाज़े रोज़े की कोई कदर नहीं करूगा। मगर ये भी बिल्कुल लाजमी सी और बच्चे ने याद भी दिलाया कि भी बात होनी चाहिए कि मोहब्बत अहले बैत का तकाज़ा यही है कि आदमी जबान ना कहता रहे मैं अहले बैत नाल मोहब्बत रखना थोड़ी बहुत मजलसा कर लै तो बस तसली हो गई कि मैं अहले बैत नाल मोहब्बत कर लूँ। बिल्कुल गलत गल यही मोहब्बत भावें अल्लाह के रसूल ना हो कोई कार आमद नहीं। हूँ भी उम्मत अनगिनत लोग है जो आप ना तो सर कटाने तैयार है बर्दाश्त नहीं कर सकते भी आप भी तौहीन हो बिल्कुल ऐसा ही मोमिन होना चाहिए मगर कर दे कराते कोई ना आप भी सुनत की कोई परवाह ना कोई करना ना करा असी आशकाने रसूल हैं योजना इश्को मुहब्बत की कोई कदर नहीं होनी। अल्लाह दया जरा भी यदा कोई वजन नहीं ये भी कोई मुहब्बत है ता सिर रसूला वान ता तुझे रोहबा हो हाजा लमड़ी फिल फ्याल बजीर रसूला दिया ना फरमानियां करदा तो ऐलान ये करदा मैं अपना मुहब्बत करना शायरां दा अल्लाह की कसम है ये अजीब किस्म की एक बिदत है मन घट मुहब्बत है जी क्ढी इन कां दो कां ना हुब्बो का साद किला ता तो इन मुहब्बत नहीं हुब्बो जी अगर तेरी मुहब्बत सच्ची होंगी तू उस तरीके से चलता जरा अल्लाह के रसूल का सी उन्होंने अहले बैत का सी फिर ठीक होंगे क्योंकि मुहब्बत करने वाला अपने महबूब के रस्ते तो कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता मुहब्बत का तकाज़ा ही है कि वह पिछे चले और आखे मैं नहीं साथ चढ़ना समझो तोहफा तुलाब जी है तिरमिज़ी शरीफ की शरह चौथी जिल्द और बहुत बड़े अहल हदीस आलम ने की काम करने का किया अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने या शमसुल हक अज़ीम आबादी ने उन्होंने महबूद लिखी दो ही कम चाहते हुए बाकी झगड़े लड़ाइया ही मुनाजरों कुछ नहीं एड्डी नहीं कम जरा दुनिया तस्लीम होया कि वाकई यार इन्होंने इन्होंने दोवे किताबों की शराह की कमाल कर औन उल महबूद अबू दाऊद ए तोहफ़तुल अलाद तो इमाम ने दे अंदर भी लिखा मैं पढ़ दिया क्योंकि हुण नखल पड़े पैदा हो गए अखवाओं हदीस है राह पुठे पै गए ये मतलब नहीं आए हदीस ला मैं दियोबंदियों का सब यजीद नूं प्रीत लिखते मलून लिखते कौन उन्होंने सही नाम यजीद आंदा एक भी दियोबंदी नहीं सी मेरे तो ज्यादा दियोबंदियों को कौन जानता एक एक बुजुर्ग जी मैं पढ़ी और अहल हदीसा भी जानना एक पुठा काम सिर्फ जिदना कि शिया चढ़ा जो तुम असि यजीद सही देना एवं अपने घर में अग लाने भी यजीद हुसैन जरा शिया का वह अहल सुनत है अहल हदीसा का दियोबंदियों का वह सरदार है जन्म के जवानों का तो यह समझो 361 सवा चौथी जिल इतने भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वह हदीस है मतन जिसे हुज़ूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे मेरा टुकड़ा यो दीनी माद आ जिस शैने नूं दुख दिता उन्हें मैनू दुख दिता व युग व्यन से बनी मान सभा जी शह नूं तकलीफ देगी मैनू दे वह तहत इमाम लिख दे फी है तहरीम अज़ा मैयत अद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिता सी ए कुलिया की निकलिया तो जिस आदमी ने तकलीफ पाना रसूला तकलीफ पहुंचे उन्होंने तकलीफ देना हराम है। हजूर डायरेक्टर जी ना तकलीफ देनी है कुजा ऐसे बंदे ही तकलीफ देनी जिद ना गां रसूला तकलीफ पहुंची ये भी हराम है। लैन आदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम ने इत्तेफाक करी लो व कसीरो भावें हो थोड़ी भावें हो बहुती सारी उम्मत जानती भी रसूला तकलीफ पहुंचाने ना आदमी काफरी हो जाता वह इस्लाम की रह गया व कद जादा मां बैन योजी ए मां योजी फातमा तो रसूला साफ कह दिता ये बिल्कुल पक्का दिलों से लिख लो कि जी शाय फातमा दुख देगी वह मैनू देगी मुकदी गल मैं मुका गया फकुल मका मैनु फी हके फातमा शाह फताज दे इमाम मुबारकपुरी फरमाते हर वो बंदा जिदे को कोई ऐसा काम भी हो जिद हजरत फातमा दुख पहुंचा वह योदे नबी सरसन बेशहादत हादल खबर सही वो इस सही हदीस के मुताबिक उसने तो बई रसूला दुख हजूर तकलीफ पहुंची है वरा शायद नफीद खैर अदा मैन कतरे वरा दे मुसलमान भाई ना फरमाया यार फातिमा इस तो ज्यादा तुम होर दुख ही देना सी जो दे ऐसे दलील कदर बच्चे छुरी ना तुम तबाह किया हुसैन शहीद किया और इन्हें तो बस ना की इबने ज़ियाद ने आख्या मैंने यदा फायदा तो कोई नहीं होना मगर इबने साध मैनू ठंड तद पैनी मैं दस ऐसे नामुराद इकट्ठे कर सिपाही जड़े घोड़ियां ते सवार हो के एनू लै जान एनू लै जान और घोड़े दौड़ा दौड़ा के मां सिर मैनू कर दे इहदा पिंजर जिहड़ा उहदी हड्डियां और बोटियां जिहड़ियां मैदान फैल जाण और यह सारा जिवें अगे तुहाडे सामने पढ़िया इमाम इब्न सीरीन ने लिखिया कि उन्हां ज़ालिमां ने बिल्कुल इसे तरह ही किया इमाम हुसैन अलैहि सलाम के बदने पाक ते हर वो कम कर दिता वलम कुतल हुसैन ए समझ 21 सफा अमर उमर मुसाद नफर ए कलमा पढ़ने का हाल
देख सदी नहीं हुई, सिर्फ 50 साल हो कबर दिया, जानते भी वे कौन नसल नहीं पे रसूला कंधे सवार हों हजूर दे होंठ चुमदे सी। तो उमर बिन साद ने हुक्म दिता गिरोह नूं फरा के खुयूला हैरान ना हो भी तुहाडे दौर च हुकूमत की कर रही है, तो अपने घोड़िया से सवार होए वाहत अल हुसैन और इमाम हुसैन के बदन पाक नूं रौंद बोठियां मैदान फैल गई। उस इमाम लिखता है मुबारकपुरी वरा शायद फील कर लदा मन मिन कतले वरा दिया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह होर दुख देना इस तो वड्डा की हो सकता कि लोगों ने प्यारे बेटे ने जुल्म ना कतल कर दिया है। वाले हादा और फबरे सिकराए माजरत मन ताता दालिक बिलकुबत फिर दुनिया वाला अज़ाब आखिरत शत ए दे देना लिख ले कले नू। फरमाया फिर किताबा फोल के वेख के उन्हों का की असर होया जिन्होंने काम किया घोड़े दौड़ाए सिर कट्टे पानी बन वो दुनिया चो आराम ना लंघे आंदा नहीं इस्तिकरा जद होया एक एक दे हालात मालूम किए गए पढ़े गए तो सब पता चल गया माजला तू मनता तदारिक बिलकू बस दुनिया इसे दुनिया च ही अल्लाह तला ने बहुत जल्द उन्होंने सलाह दी बहुत बुरे हाल ना मरे कोई अपनी मौत नहीं मरे बिल्कुल कुत्ते की मौत मरिया किसी के हाथ पैर वड़े गया किसी अग जलाया गया किसी की लाश साड़ती जेड़े नहीं काबू आए उन्होंने घर टह गया। इमाम इब्ने कसीर और खुद इब्ने तैमिया का कि ये कोई शक नहीं क्योंकि उन्होंने जुल्म अज़ीम किया थी इस तो कोई मजनून और पागल होकर मरिया किसी कोई बीमारी लगी दुनिया च कोई अमन नहीं है। इमाम मुबारक फरमाया किताबा खोल फोल लो उन्हों एक एक बंदा जरा से उन्होंने दुनिया सजा मिली वाला अज़ाब और आखिरत का शक तो जरा क़यामत का अज़ाब है उन्होंने वो इस तो भी ज्यादा सख्त है वो अगे जरा उन्होंने इंतजार कर रहे हो ना इस तो बड़ा है मगर इस दुनिया जो उन्होंने किया बदला वह भी मरिया।